नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 482 के बारे में। अब सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है आज की इस वीडियो के अंदर आपको ना लाइटनिंग ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी और ना ही वीडियो क्वालिटी, पर मैं प्रॉमिस करता हूं आगे से आपको कभी भी ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। अब दोस्तों सेक्शन 482 सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता क्या कहता है? अगर इसे सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाई कोर्ट। अब इसे लोकल लैंग्वेज में समझाएं तो उसके अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 482 में, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू इफेक्ट और लिमिट द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड एंड टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ एनी प्रोसेस इन द कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। अब दोस्तों ये तो बात आ जाती है लॉ की लैंग्वेज की, यानी कि जो इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है। अब सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं सीआरपीसी का सेक्शन 482 क्या कहता है। यहां पर अगर कोर्ट के अंदर कोई कानून का दुरुपयोग हो रहा है, अपनी पावर का दुरुपयोग हो रहा है, इसके अलावा कहीं पर कह सकते हैं अन्याय हो रहा है, उस स्थिति में उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट को यह सेक्शन पावर देता है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इसका सरल मतलब दोस्तों यही होता है, यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 482 यहां पर हाई कोर्ट को पावर दे देता है अगर कहीं पर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं पर अन्याय हो रहा है, उस स्थिति में वो वहां पर एक्शन ले सकता है, कोई ऑर्डर पास कर सकता है। अब दोस्तों सेक्शन 482 के माध्यम से यहां पर हाई कोर्ट के अंदर लोग अपील डालते हैं, यह आप सभी लोगों को पता भी होगा। जैसे कि बहुत सी सिचुएशन में क्या होता है, जब लोअर कोर्ट किसी चीज को नहीं मानता या फिर किसी चीज की कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कह देता हूं, लोअर कोर्ट जैसे कि बेल खारिज कर देता है, उस स्थिति में लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। इसी कंडीशन से ऐसी बहुत सी सिचुएशन बनती है जो यहां पर सीआरपीसी का सेक्शन 482 के तहत यहां पर डील की जा सकती है। अब वीडियोस के अंदर तो केवल मात्र एक दो टॉपिक के ऊपर ही वीडियोस को इतना लंबा खींच दिया जाता है, जैसे कि एफआईआर को कैंसिल कराएं, उसके ऊपर 482 का जिक्र करके उस वीडियो को ही इतना लंबा खींच दिया गया। तो क्या केवल एफआईआर ही कैंसिल की जा सकती है इस सेक्शन से? दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा ये सेक्शन हाई कोर्ट को पावर प्रोवाइड करा रहा है जहां पर कोई भी अन्याय हो रहा है उस चीज को ठीक करने के लिए, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो इस चीज से आप ये चीज समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप इस सेक्शन के तहत हाई कोर्ट के अंदर अपील करके उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, अगर आपके खिलाफ यहां पर किसी व्यक्ति ने झूठी एफआईआर करवा दी है, आपके खिलाफ झूठी एफआईआर होने के बाद अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं, उस स्थिति में आप इसी सेक्शन यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 482 का इस्तेमाल करके अपनी इस एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं या फिर अपने उस अरेस्ट वारंट पर रोक लगवा सकते हैं। यह पावर यहां पर हाई कोर्ट को प्रदान की गई है। इसके अलावा और ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन बनती है जहां पर आप हाई कोर्ट की इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेवर में? जैसे कि दोस्तों अब आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी केस फाइल किया जाता है, एफआईआर फाइल होती है, तो यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उस केस से रिलेटेड, उसे अपनी कोर्ट के अंदर एक एफआईआर फाइल करनी पड़ती है जिसे हम यहां पर फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जो एफआईआर फाइनल कर दी जाती है, फाइनल रिपोर्ट कह सकते हैं फाइल कोर्ट में कर दी जाती है, तो कई बार यह भी देखने को मिलता है कि उसके अंदर सच्चाई सामने नहीं आ पाती या फिर बेगुनाह को फंसा दिया जाता है। उस स्थिति में जो व्यक्ति बेगुनाह है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो यहां पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और उस एफआईआर को निरस्त करा सकता है। सीआरपीसी का सेक्शन 173 यहां पर एफआईआर के बारे में डील करता है, यानी कि यहां पर इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के अंदर यह भी पावर आती है
कि अगर आपके फेवर में एफआर नहीं आई है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, और आप ये चीज जानते हैं कि आप यहां पर निर्दोष है, आपको तो झूठा ही फंसाया जा रहा है, उस स्थिति में आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में और अपनी उस एफआर को निरस्त करवा सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा और कौन सा मैटर बन जाता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है, पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल कर दी जाती है, उस चार्जशीट के फाइल होने के बाद भी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसके तहत कोई सबूत नहीं मिल पाता और फिर भी ट्रायल चलती रहती है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो व्यक्ति आरोपी है, जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं, वो तो यहां पर बेवजह परेशान हो रहा है, तो वो भी यहां पर इस इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का इस्तेमाल करके अपनी उस ट्रायल को बंद करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पर यह चीज आपको ध्यान रखना है कि चार्जशीट में आपके खिलाफ आपके कोई सबूत नहीं होने चाहिए, तब यहां पर आप इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का इस्तेमाल करके अपनी उस ट्रायल को बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा अब कई बार यह भी देखा जाता है, पहले मैं आपको बता देता हूं, कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि वो ऑफेंस जो यहां पर आपसी सहमति से रद्द किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, मारपिटाई 323 कंपाउंडेबल ऑफेंस है दोस्तों। अब इस स्थिति में अगर किन्हीं दोनों पक्ष के बीच मारपिटाई हो जाती है और केस फाइल हो जाता है, तो कभी भी बीच में आपसी सहमति करके उस केस को समाप्त कर सकते हैं, उस ट्रायल को वहीं पर समाप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनमें कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, उदाहरण के तौर पर सेक्शन 420 जिसे धोखाधड़ी कह देते हैं, चीटिंग कह देते हैं, और कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनके अंदर कंपाउंड होता ही नहीं, यानी कि जो कंपाउंडेबल होते ही नहीं, 376 रेप आ गया, ऐसे कुछ मामले और होते हैं जो कंपाउंडेबल नहीं होते। अब दोस्तों ऐसे बहुत से मामले देखे जाते हैं जहां पर दोनों पक्षों के बीच जो है आपसी सहमति हो जाती है, फिर भी ट्रायल को जबरदस्ती आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट होता है वो इस चीज की परमिशन नहीं देता कि इस केस को खत्म किया जाए। उस स्थिति में वो दोनों पक्ष मिलकर वहां पर इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो उनके खिलाफ ट्रायल यहां पर चल रही है उसको वहां पर समाप्त भी करवा सकते हैं। ये और यहां पर फायदा उठाया जा सकता है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का, इसे फायदा भी नहीं कहे, अगर आप यहां पर बेगुनाह हैं तो इसे आप यहां पर अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बहुत सी सिचुएशन ऐसी बनती है जब यहां पर आपके द्वारा कुछ क्राइम तो किया है, क्राइम भी नहीं कहेंगे, आपके द्वारा कोई ऑफेंस, कोई एक्शन तो लिया गया है जो यहां पर गलत है, पर वो इतना भी सीरियस नहीं है, यानी कि वो सिविल केस हो सकता है, फिर भी उसमें क्रिमिनल घुसा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपके साथ बात करूं तो चेक बाउंस का केस ले लेते हैं। अब भाई जो चेक बाउंस हुआ है वो आपने इंटेंशनली तो नहीं करवाया, पर सामने वाली पार्टी ने आप पर दबाव बनाने के लिए, आपको सताने के लिए आप पर क्रिमिनल केस कर दिया 420 का। उस स्थिति में आप इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का इस्तेमाल करके जो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस बेवजह फाइल किया गया है उसे भी यहां पर उस पर रोक लगवा सकते हैं, यानी कि सिविल केस तो चला जाएगा, अगर आपके ने चेक बाउंस किया, आपने कोई ऐसा क्राइम किया, कोई ऑफेंस किया है, कोई एक्ट किया है, उस स्थिति में सिविल केस तो चलेगा, पर अगर कोई गलत क्रिमिनल केस बनाया गया है, कोई गलत सेक्शंस जोड़े गए हैं, उस पर आप यहां पर रोक लगवा सकते हैं, उस तरह के केस को क्वैश करवा सकते हैं। ये भी दोस्तों यहां पर इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस केस से रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड बहुत सी जजमेंट्स भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की है, अगर आप चाहते हैं मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखे, मैं उस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम 482 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बड़े ही इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बता दूं, माय वॉलेट ऐप। अब दोस्तों अगर आपका कोई भी स्मॉल या लार्ज बिजनेस है जिसके अकाउंट को मेंटेन करने का झंझट आपके ऊपर आ गिरा है, या फिर आपको यहां पर कोई एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा जो स्पेशल अकाउंट को मेंटेन करे, तो आप मेरी माने आप एक बार इस ऐप को जरूर यूज करके देखेगा, माय वॉलेट ऐप। ये आप इजीली प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया है। इसके अंदर दोस्तों आप मल्टीपल अकाउंट को इस सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, यानी कि तरह तरह के अकाउंट को मैनेज करने के लिए तरह तरह एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सिंगल एप्लीकेशन आपको वो सभी अकाउंट मैनेज करके देगा। उन सभी अकाउंट को आपको यहां पर इजीली स्क्रीनिंग कर सकते हैं
यानी कि उन्हें आसानी से आप यहाँ पर सुपरवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसे इजिली ट्रैक किया जा सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। इस एप्लीकेशन को कंट्रोल करना कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं, सिंपल इसे ओपन करें, ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करें और वहां पर अगर कोई एडिटिंग का ऑप्शन करना है, कोई अमाउंट एडिट करना है, उसे सिंपली एडिट करके आपका अकाउंट मैनेज हो गया। इसके अलावा अगर आप अपनी अकाउंट फाइल को आउटपुट देना चाहते हैं, उसे आउटपुट के थ्रू निकालना चाहते हैं, तो PDF और CSV फाइल के थ्रू आप इजिली आउटपुट भी निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये ऐप आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है दोस्तों। इसका मतलब आपको कोई एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हाथों में आप एम्प्लॉय को लेकर आप चल सकते हैं। आप एक बार इस एप्लीकेशन को जरूर यूज करके देखिएगा। मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। पर्सनली अगर मुझसे लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा दिया, वहां पर कॉल करें, अपनी कॉल बुक कराकर 1-to-1 लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।